हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। तो इंडियन किचन में आज मैं आपके लिए लाई हूँ अमृतसरी ढाबा स्टाइल राजमा। वो राजमा जो हम अमृतसर में जाते हैं, हमें खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं, बहुत ही कम मसालों में वो तैयार करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी हम इनको जल्दी से और बहुत ही कम मसालों में कैसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी राजमा की ली थी, जिसको रात भर मैंने भिगोकर रख दिया था और सुबह अच्छे से धोकर मैंने 6 से 7 सीटी इसको लगवा ली थी। हमारे राजमा अच्छे से गल चुके हैं, देखिए। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, जिसको बारीक काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 टमाटर लिए हैं और कुछ बेसिक मसाले लिए हैं। तो चलो जल्दी से तड़का लगाना शुरू करते हैं। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल लिए हैं। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, ये थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। अब इसमें कटे हुए प्याज डालकर इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। साथ में ही हम इसमें अदरक और लहसुन का 1 बड़ा चम्मच पेस्ट का डाल देंगे। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये राजमा खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। चावल के साथ आप इसको खाओगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। वैसे भी बच्चों की फेवरेट रेसिपी है। एक चीज यहाँ पर मैं और बताती हूँ, अगर आपको जल्दी है, आप राजमा भिगोने भूल गए तो आप कैसे बना सकते हो, आप राजमा को इंस्टेंट कैसे बना सकते हो। यहाँ पर आप 1.5 कटोरी राजमा लोगे, उसको अच्छे से धोकर कुकर में डालकर 3 सीटी आने तक उसको पकाओगे। उसके बाद सीटी ठंडी होने के बाद उसको खोलकर उसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दो। उसके बाद उसको फिर से 2 सीटी दिलाकर उसको खोलकर देखोगे तो आपके राजमा अच्छे से बॉईल होंगे। फिर उसको तड़का लगाकर आप उसको बना सकते हो। तो देखिए, प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये पेस्ट की फॉर्म में ना आ जाए। इसमें हम थोड़ा सा नमक यूज करेंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएं, पर हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि बॉईल करते वक्त हमने नमक का यूज किया था। जिन जिन मसाले हमने राजमा में डालने हैं वो हम 1 कटोरी में लेंगे। गरम मसाला हम सबसे आखिर में डालेंगे, रेड चिली पाउडर, राजमा मसाला ये छोटे 2 चम्मच लेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। आप हल्दी डालना चाहे तो डालो, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, चाट मसाला। इन मसालों में थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इनका टेस्ट राजमा में बहुत ही अच्छा आता है, हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इससे मसाले हमारे जलेंगे भी नहीं। तो देखिए, टमाटर और प्याज अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम 2 मसाले हमने तैयार करके रखे थे वो डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे गले ना। अब इनको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से टमाटर और प्याज के साथ पकाएंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो देखिए, मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर राजमा भी हमारे रेडी हैं, बॉईल हो चुके हैं। अब राजमा को हम मसाले में डालकर अच्छे से बॉईल करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
और 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल मीडियम आंच पर इसको पकाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देते हैं। इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाते हैं। तो देखिए राजमा को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। राजमा अच्छे से बन चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो देखिए कितने बढ़िया बने हैं। अब आपको अमृतसर जाने की जरूरत नहीं, आप ही घर पर बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हो। आप इसको चावल के साथ बनाकर एंजॉय करो। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। Thanks for watching.